हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फीट वाइटनिंग पेडिक्योर प्रोसीजर शेयर करने जा रही हूँ, जो ना ही आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करेगा, जबकि आपके पैरों को बहुत ही सॉफ्ट और सफल बना देगा, आपके पैरों से टैन को रिमूव कर देगा और आपको एक ग्लोइंग रिजल्ट देगा। सो फर्स्ट स्टेप में हमें अपने पैरों को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए सबसे पहले नेल पेंट रिमूवर की मदद से आपको आपके पैरों पर जो भी नेल पेंट लगा है इस तरीके से रिमूव कर देना है। नेल पेंट रिमूव करने के बाद आपको एक बकेट में गुनगुना पानी लेना है और पानी में आपको इस तरीके से नींबू का रस मिलाना है। आप 2 टीस्पून नींबू का रस मिला सकते हैं। उसके बाद आपको बेकिंग सोडा लेना है। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा आपको इसी तरीके से गुनगुने पानी में डाल देना है। उसके बाद 1 टीस्पून आपको सॉल्ट लेना है और उसे भी इस तरीके से गुनगुने पानी में डाल देना है। और उसके बाद आप अपनी मनपसंद कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। आप 2 टीस्पून कोई भी शैम्पू पानी में डाल देंगे और फिर अपने पैरों को 10 मिनट के लिए इस गुनगुने पानी में डिप करके छोड़ देंगे। आप अपने पैरों के साथ अपने हाथों को भी डिप कर सकते हैं, जिससे आपके पैर के साथ साथ हाथों से भी डेड स्किन सेल रिमूव हो जाएगा और आपके हाथ भी सॉफ्ट और सफल हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद आपके पैरों को पानी से निकाल कर किसी भी तौलिए की मदद से आपको उसे पोंछ लेना है और क्लीन कर लेना है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा फुट स्क्रब बनाना। तो सेकेंड स्टेप में स्क्रब के लिए सबसे पहले आपको 2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है और इस तरीके से नींबू का रस उसमें मिलाना है। उसके बाद टूथब्रश की मदद से आप इस तरीके से उसे मिक्स कर लेंगे और फिर अपने नेल्स पर इस तरीके से आप इस फुट स्क्रब को लगाएंगे। नेल्स को क्लीन करने के बाद आप अपने पूरे एरिया पर इस फुट स्क्रब को इस तरीके से लगा सकते हैं। जहाँ पर भी आपको टैन ज़्यादा है वहाँ पर आप इसे डबल लेयर अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इसे अपने हील्स पर भी इस तरीके से लगा लेंगे। ये फुट स्क्रब आपके स्किन से टैन को रिमूव कर देगा और आपके स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन कर देगा। उसके बाद उसी गुनगुने पानी में आपको दोबारा से अपने पैरों को डिप करना है और फिर फुट स्क्रबर की मदद से इस तरीके से अपने पैरों को साफ कर लेना है। उसके बाद कोई भी थिक क्रीम आपको लेना है और अपने नेल्स पर इस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से क्रीम को लगाकर आप छोड़ देंगे। एक से दो मिनट के बाद आप अपने पैरों को उसी गुनगुने पानी में दोबारा से डिप कर लेंगे। इस बार आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे आपके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको डीटैन पैक लगाना है। पैक के लिए मैं यहाँ पर दही और बेसन यूज़ कर रही हूँ। दही और बेसन को इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और फिर उसे आप अपने पूरे फीट पर इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। दही और बेसन एक नेचुरल क्लींजर है, जिससे आपकी स्किन से टैन रिमूव हो जाएगा और इस पैक को लगाने से आपकी स्किन लाइटन एंड ब्राइटन हो जाएगी। 15 मिनट तक अपने हाथों और पैरों में इस पैक को इस तरीके से लगाने के बाद आप उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। इसके बाद आप अपने पैरों को मॉइस्चराइज करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पर वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। वैसलीन को आपको अपने फीट पर, नेल पर और हील्स पर अप्लाई करना है। इसके बाद आपको कोई भी बॉडी लोशन लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आप लोशन को लेंगे और उसके बाद इस तरीके से अपने नेल्स पर, फीट पर और अपने हील्स पर अप्लाई करेंगे और फिर उसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से आप मसाज कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी कोई भी मनपसंद की नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप ऑप्शनल है।
इस तरीके से आप घर बैठे इस फीट वाइटनिंग पेडिक्योर प्रोसीजर को कर सकते हैं। सिर्फ एक बार करने से आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आप इसे मंथ में अगर दो बार करते हैं तो आपके फीट बहुत ही सॉफ्ट और सफल हो जाएंगे और आपकी स्किन लाइटन एंड ब्राइटन हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आप इसको करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।